calling? First of all, you will introduce yourself. And what kind of character you are, what kind of character you are playing in this season? मैं अथर्व की माँ का किरदार निभा रही हूँ. मेरा नाम शिल्पा तुलस्कर है. एंड वेल, माँ और बेटे की रिलेशनशिप्स हम कई बार देखते हैं टेलीविज़न पर और बहुत इंटरेस्टिंगली प्रेजेंट भी की गई है. बट पार्वती की माँ के बाद इस बार मुझे इस माँ को निभाने में बहुत ही खुशी हो रही है, इसलिए क्योंकि इसका प्रेजेंटेशन डेफिनेटली अलग होने वाला है. इन दोनों का रिश्ता जो है बहुत अच्छी तरह से स्क्रिप्ट किया गया है और मैं इन मेकर्स को भी पहले से जानती हूँ. उनको क्या और किस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं ये अच्छी तरह से जानती हूँ. इस बात से सहमत हूँ, इसके लिए मैंने इस शो के लिए हाँ कर दी. अथर्व और उसकी माँ का रिश्ता बहुत ही अनोखा प्यारा सा है. इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि इन दोनों की दुनिया, इन दोनों के मतलब माँ से शुरू होती है, अथर्व से ख़त्म होती है, अथर्व से शुरू होती है, माँ से ख़त्म होती है. पिता इसके है नहीं, माँ ने इसे अकेले पाला है और इस वजह से भी उनकी वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा नज़दीक है. बिना बोले एक दूसरे का मन, उनके दिल में क्या चल रहा है ये समझ सकते हैं. एक दूसरे से अपनी अपना दुख दर्द छुपाते हैं और ये जो छोटे छोटे इमोशंस हैं ये बहुत ही खूबसूरती से हमारे सीन्स में उतरे हैं. उसके साथ साथ विक्रम के साथ मेरी अच्छी दोस्ती हो पाई है. मेरा खुद का बेटा 13 साल का है और बेटे के साथ का जो रिश्ता होता है उसे एक्सपीरियंस भी कर चुकी हूँ. ऑफकोर्स इट इज़ नथिंग लाइक व्हाट इट इज़ इन द सीरियल बिकॉज अलग है, ज़िंदगी से हमारा काम बहुत अलग होता है, बट उसकी खूबसूरती वही रहती है और वो खूबसूरती इस रिश्ते में भी लाने की, ऑन स्क्रीन वाले रिश्ते में लाने की कोशिश हमने की है. हम देखते हैं लोगों को, दर्शकों को कितना पसंद आता है. इसके लिए कुछ अलग प्रिपरेशन किए थे? जी नहीं, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सम इमोशंस आर बेटर बेयर. आप इस ऐसी चीज़ के लिए बहुत तैयारी करके नहीं, हाँ, लेकिन हर सीन के लिए विक्रम और मैं, हमारे डायरेक्टर राहिब के साथ उनकी बहुत मदद मिलती है हमें और हमारे राइटर्स जो रहे हैं उन्होंने अच्छी तरह से लिखा है, सो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है. सो वी प्रिपेयर फॉर अ सीन जस्ट बिफोर वी आर गोइंग टू शूट इट. हम बहुत ही सिंसियरिटी से काम करने की कोशिश करते हैं और वो सिंसियरिटी ज़रूर शो में दिखाई देगी. मैम, देखा जाए तो ये सीरियल राजस्थानी लुक देगा, एज पर दादी के लुक पे जो दिख रहा है सेट पे भी तो दिख रहा है. हाँ, बिल्कुल दिखाएंगे. राजस्थान के बहुत सुंदर लोकेशंस पे जाकर हमारी यूनिट ने बहुत ज़्यादा मेहनत करके गर्मी में मई में जाकर शूट किया है. सो स्टार प्लस की भी ये कोशिश रही है आई एम श्योर के सुंदर लोकेशंस इस शो के ज़रिए दर्शकों तक पहुँचे और जिस लोकेशंस तक दर्शक पहुँचे नहीं हम फिल्मों में देखते हैं. वैसे तो अब हम सीरियल्स में भी हमने देखना शुरू किया है. वैसे भी मैं महाराष्ट्र से हूँ, राजस्थानी कल्चर से, छोटे छोटे रीति रिवाज और चीज़ों से मैं बिल्कुल वाकिफ़ नहीं थी, जो इस सीरियल की वजह से मैं भी जान पाई हूँ और हम एंजॉय भी कर रहे हैं. मैम, लोकेशंस की बात की तो कहाँ कहाँ तक शूट हो चुके हैं? मैंने सुना है सांभर, जयपुर और पुष्कर में इन्होंने जाकर शूट किया. मैं नहीं गई थी, थैंकफुली मेरा नसीब बहुत अच्छा था क्योंकि मैं धूप गर्मी बिल्कुल सहन नहीं कर सकती, पर अगर ज़रूरत पड़ती तो जाती ज़रूर. मेरी ज़रूरत वहाँ पर नहीं पड़ी है इस सुजाता के कैरेक्टर की, इसलिए मैं बम्बई में. वेल, देखेंगे, शो हो सकता है. अगर एक और आउटडोर लोकेशन लगा, अगर ज़रूरत स्क्रिप्ट की वैसी रही तो हम ज़रूर जाएंगे. तो फिर कहाँ जाना सबसे ज़्यादा पसंद करेंगे? वेल, मैं चाहूँगी कश्मीर, वो लोग थोड़ी ले जाएंगे, है ना. शो के लिए नहीं, वेर एवर द शो डिमांड्स वी विल गो, वी विल नॉट हैव अ चॉइस रिगार्डिंग दैट, वी डू नॉट वांट टू. फैंस को कुछ बोलना चाहेंगे? बस यही कि 5:30 पे मंडे 9th ऑफ मई से हमारा शो आ रहा है. जितनी शिद्दत से हमने काम करने की कोशिश की है, जो सिंसियरिटी और खुशी हमने इस शो में, हमारे सीन्स में, हमारे एपिसोड्स में डाली है, मैं आशा करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि वो आप तक पहुँचे और आप हमारा शो ज़रूर देखें और उसे देखते रहें, अपने फ्रेंड्स फैमिली को भी बताएँ.
मैं उमा हूँ, उमा का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ जो कि कैलाश की पत्नी है और जो हमारे शो की नायिका है उसकी माँ है, साथ में ये दो बहन है उसके। हाय, मैं गुड्डी का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, मैं सबसे छोटी बेटी हूँ, ये मेरा बड़ा भाई है, मेरे पिता उससे भी बड़ी बहन है। हेलो, मेरा नाम अंकित है, मैं अंकित का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ और मैं विविधा का बीच लाइक सेकंड नंबर का भाई प्ले कर रहा हूँ। किस तरह का सीरियल होने वाला है, इसके बारे में बताइए। ये सीरियल एक बहुत ही इस तरह किस्म का शो कह सकते हैं जो कि आम लोगों से जुड़ा हुआ है, एक ऐसे परिवार की कहानी जो शायद कहीं ना कहीं हर व्यक्ति अपने घर के किसी कोने में या अपने परिवार के किसी हिस्से में देख पाता है, समझ पाता है। किस तरह का किरदार निभा रहे आप? इसके लिए कुछ अलग प्रिपरेशन किए थे? हर किरदार के लिए देखिए एक तरीके की अपनी प्रिपरेशन होती है, हर किरदार अपने आप में थोड़ा सा अलग होता है। बेशक एक माँ का किरदार कहेंगे कि माँ है, लेकिन हर माँ के अंदर बेसिक एसेंस चाहे एक हो लेकिन उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ फ़र्क होता है। आप लोग तो दोनों न्यू लग रहे हैं, तो इसके लिए आपने कुछ अलग प्रिपरेशन किया? यस, काफ़ी कुछ प्रिपेयर किया। इट्स माई फर्स्ट शो एंड गुड्डी का कैरेक्टर एक ऐसा है जो बहुत ही बचपना है, किडिश है, मस्ती खोर है, बिल्कुल ओबीडियंट नहीं है, एकदम ऑपोजिट है उसकी बड़ी बहन से। सो वो कैरेक्टर प्ले करना, मैं असली लाइफ में मैं इतनी वो नहीं हूँ, इनडिसिप्लिन, बट इस कैरेक्टर में इस सीरियल में मेरा ऐसा रोल है कि यू नो बहुत नटखट होती है ना, एकदम चुलबुली बड़बड़ यू नो, तो वैसा है, तो आई हैड टू प्रिपेयर। या कंटिन्यूसली बोलना रहता है, बड़बड़ बड़बड़ एंड मस्ती है, पापा से डरती है, पापा के सामने बहुत ही ओपिनियन बनती है, बट जब वो नहीं रहते हैं तो शी लिव्स अ लाइफ टू द फुलेस्ट। या अंकित, तो ये मेरा फर्स्ट शो है, तो हर एक कैरेक्टर की कुछ ना कुछ प्रिपरेशन होती है। तो अंकित लाइक दो बहनों का एक अकेला भाई है, घर का एक अकेला लौता बेटा है, तो समझ सकते हो कि लाइक वो अपनी 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 मस्ती में मस्त रहता है, अपने फ्रेंड्स के साथ घूमना और इन टर्म्स ऑफ लाइक फैमिली के साथ इक्वेशन, तो बस अपने पापा से थोड़ा डरता है बिकॉज पापा की सोच अपने ज़माने की है, बट अंकित ऐसा सोचता है कि मैं अपनी लाइफ अपनी तरीके से जीऊँ। तो और जब भी कुछ भी घर में प्रॉब्लम होती है, कुछ मैं मस्ती करता हूँ, तो मेरी माँ और मेरी बहन विविधा वो मुझे कुछ ना कुछ तरीके से पापा से बचा लेती है। तो लाइक रियल लाइफ की बात होगी, रियल लाइफ में आप तीनों कैसे हैं? रियल लाइफ में तो बहुत ही मैं शांत किस्म का इन लाइक हूँ, तो और कुछ नहीं ज़्यादा, बट जो अंकित का कैरेक्टर मेरी पसंद है टोटली डिफरेंट है। हाँ, अपोजिट है। हाँ, टोटली अपोजिट। इशू के अंदर एक जो आधार है शो का, जो बेस है, वो है कि प्यार जो है वो इंसान के जीवन में एक ऐसी तब्दीली ले आता है, एक ऐसा बदलाव ले आता है जिससे कि वो अपने आप में एक नया इंसान ढूंढ पाता है या अपने आप को एक नई पहचान दे पाता है, जो इस शो का आधार है। और जो उमा का किरदार मैं प्ले कर रही हूँ वो बच्चों की माँ है, ममतामयी माँ है, साथ ही साथ उसके पति के साथ जो इक्वेशन है वो इक्वेशन मेरे ख्याल से बहुत सारी हिंदुस्तानी औरतों को प्रेरित करेगा और उन्हें शायद वो उस किरदार से अपने आप को जोड़ पाएंगे कि हम आज के इस प्रगतिवादी युग में रहकर भी एक किस तरीके की ज़िंदगी एक औरत, एक आम औरत अपने घर के अंदर जीती है या पति के साथ उसका तालमेल कैसा है, ये चीज़ भी इस शो में देखने को मिलेगी। यानी प्यार का एक दूसरा रंग या दूसरा रूप या शादी के कई सालों के बाद पति पत्नी के बीच का एक संबंध वो कितना कैसा रह पाता है और कितनी मुश्किलों से एक औरत होकर गुजरती है, ये इस शो में आप लोग को देखने को। इन टर्म्स ऑफ इज लाइक कि आपको प्यार से जो ताकत मिलती है वो किसी चीज़ से नहीं मिलती, वो हम दिखाना चाह रहे हैं शो में। रियल लाइफ में कैसी है, ये बताइए। रियल लाइफ में मैं बहुत ही चुलबुली हूँ, बहुत ही मस्त हूँ। उमा जैसी एक बहुत जो एक औरत है, मैं जो उमा का कैरेक्टर है उससे बहुत अलग हूँ, बहुत मस्ती खोरू, बहुत बहुत चीज़ वेरी एनर्जेटिक, बहुत एनर्जेटिक है एंड मुझे सबसे बेस्ट इनके साथ ही लगता है, मज़ा आता है इनसे बात करो ना, कभी बोर नहीं होती हूँ मैं एंड इतनी पॉजिटिविटी मिलती है ना। जो इनका कैरेक्टर है मम्मी का वो थोड़ा अलग है, लेकिन इन रियल लाइफ शी इज़ अमेजिंग, मुझे तो बहुत मज़ा आता है।
हम तो सिर्फ जयपुर ही गए थे और जयपुर में हमने शूट किया और जयपुर अच्छा अनुभव रहा, बस बहुत गर्मी थी और बहुत 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 ज़्यादा हमने गर्म में शूट किया। यस यस, वन ऑफ द टूरिस्ट प्लेसेस है, उसके बारे में क्या? इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस। माना कि गर्मी बहुत थी, हम ज़्यादा घूम नहीं पाए, लेकिन जितने भी प्लेसेस देखी है बहुत अमेजिंग थी, बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। वहाँ के लोग एंड एवरीथिंग वाज जस्ट सुपर्ब, बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट था, मज़ा आया। शूट के साथ साथ एक चीज़ एक्सप्लोर कर ली, नई नई चीज़ें, तो आई हैड अ वेरी गुड ट्रिप। आपके लिए कैसा ट्रिप रहा? लाइक मैं आउटडोर में था नहीं, तो आई डोंट हैव एनी आईडिया अबाउट दैट। ओके, थैंक यू। फैंस के लिए कुछ बोलना चाहेंगे? फैंस के लिए ही बोलना चाहेंगे कि भाई ये शो जो है आपके लिए आने वाला है और शायद इससे आपको बहुत प्रेरणा मिले, शायद आपके अगर आप प्यार में हैं तो हो सकता है आपके प्यार को नया आधार मिले और इस शो से कुछ सीखने को मिले और ज़िंदगी में कुछ नया जज्बा जैसे कि आप उभार पाएँ और उसके हिसाब से चल पाएँ। इसलिए देखिएगा ज़रूर हमारा ये शो जो कि आपके लिए ख़ास आने वाला है। थैंक यू। थैंक यू।